चलिए बेटा, आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेटा एक टाइप का मॉडल है, एक टाइप का टूल है जो कि किसी विद्वान ने दिया और बताया कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम कर सकते हो। जैसा कि इसका नाम है वही इसका काम है कि किस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारी सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ये टेक्निक हमें बताती है, ट्रांसपोर्टेशन हमें बताता है कि हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक और हाउ वी कैन इंक्रीज अवर सेल्स और प्रॉफिट थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक। तो ये दो चीजें जो है वो हमें यहाँ पर जानने को मिलने वाली है और हम सीखने वाले हैं कि आखिर ये काम कैसे होता है। जैसे अपन बात करें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू अपन बात करते हैं और इन चीजों को समझते हैं। आइए बेटा, लेट्स से कि ये अपना वेयर हाउस है, ये एक वेयर हाउस अपना और ये दूसरा वेयर हाउस अपना, और ये तीसरा वेयर हाउस है। ये अपने वेयर हाउस है जहां पर अपने गुड्स पड़े रहते हैं, ठीक है। और जनरली आप ब्रांड वगैरह देखोगे, अमेजोन वगैरह की प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो पड़े रहते हैं गुड्स। और ये अपने सेल ऑफिस है, मान लीजिए ये अपने सेल्स ऑफिस है जहां से सेल्स होते हैं, अलग अलग सिटी के अंदर बना रखे। जैसे अमेजोन है, अमेजोन में तो बड़ा यूज होता है बेटा इस टेक्निक का। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये हमारे वेयर हाउस है और ये सेल्स डिपो है जहां से गुड्स सेल किए जाते। अब ये वेयर हाउस कहां पर है? एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है और एक जयपुर में है। हमारे सेल्स ऑफिसेज कहाँ कहाँ पर है? एक बैंगलोर में है, एक पुणे के अंदर है और एक चंडीगढ़ में है। अब क्या होता है कि बेटा जब हम एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में गुड्स भेजते हैं, अब हमारे पास ये वेयर हाउस है और ये सेल्स डिपो है, ये इंटरनल मामला देख रहे हैं कंपनी का। अब कौन से वेयर हाउस से किसको सप्लाई करें ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए? मुंबई वाले से हम यहां सप्लाई करें क्या? कितनी क्वांटिटी यहां भेजे, कितनी क्वांटिटी यहां से यहां भेजनी है या यहां से यहां भेजनी है या यहां से यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, मतलब एक वेयर हाउस से एक जगह से दूसरी जगह पर किस जगह से कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई करने चाहिए ताकि हमारी ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो कम से कम आए, अगर कॉस्ट हमारा टारगेट है तो, या फिर हमारा प्रॉफिट और सेल्स टारगेट है तो हमारा प्रॉफिट और सेल्स ज्यादा से ज्यादा आए। ये दो तरीके के टारगेट हो सकते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस टेक्निक को पढ़ने के बाद हम ये बताना सीख जाएंगे कि आप किस लोकेशन से कहां पर कितना गुड्स भेजो ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम आए या फिर आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विथ एन इंटेंशन टू रिड्यूस कॉस्ट और विथ एन इंटेंशन टू इंक्रीज प्रॉफिट और सेल्स, दिस इज द टारगेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए क्या टारगेट हो गया,
या आप मेरे साथ लिख भी लीजिए बेटा इस बात को, और आप चाहे तो ये वेयर हाउस बनाने, ये तो बना नहीं सकते, तो आप ये नेम्स भी लिख सकते हैं, यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक। भाई इसको पढ़ के हम सीखेंगे क्या भाई, पहले तो वो जानना जरूरी है ना, फिर आगे की बातें जानना। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विथ एन इंटेंशन टू रिड्यूस कॉस्ट, और हमारा इंटेंशन ये भी हो सकता है इंक्रीज सेल्स और प्रॉफिट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक अगर सीख लेंगे ना, तो पता चल जाएगा मुंबई वाले से कहाँ भेजना है और कितना भेजना है, दिल्ली वाले से कहाँ गुड्स भेजने, कितने भेजने, जयपुर वाले से कहाँ भेजने और कितने भेजने। जब हम ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ लेंगे तो ये बात हम सीख जाएंगे। दिस इज द टारगेट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज द रीजन वाई वी स्टडी ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सर हमें बिल्कुल पता चल चुका है कि हम ट्रांसपोर्टेशन आखिर क्यों पढ़ते हैं। जब ये हमें पता चल चुका है तो आगे की बातें भी जानना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के टाइप्स बेटा, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। भाई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कितने टाइप की होगी ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए बेटा, ये पहले भी पढ़ा है अपन ने दूसरे चैप्टर्स में भी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेटा दो टाइप की होती है, एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम और एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। जब बात आएगी कॉस्ट की या टाइम की, कि भाई हमें ट्रांसपोर्ट टाइम कम करना है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करनी है, तो वो प्रॉब्लम किस टाइप की कहलाएगी, मिनिमाइजेशन की कहलाएगी। और जब बात आएगी प्रॉफिट की, सेल्स की, तो वो प्रॉब्लम किस टाइप की कहलाएगी, मैक्सिमाइजेशन की कहलाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो टाइप की होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के दो टाइप होते हैं बेटा, एक को हम बोलते हैं मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम और एक को हम बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन और एक को हम बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन। जब प्रॉब्लम रिलेटेड हो, व्हेन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू कॉस्ट और टाइम, जब प्रॉब्लम रिलेटेड हो
प्रॉफिट और सेल्स। तो मैक्सिमाइजेशन, ये बात भी हो गई बेटा कि प्रॉब्लम दो टाइप की, ये तो हम सर पहले भी जानते हैं, पहले भी एक बात हमने पढ़ी हुई। अब क्या होता है कि बेटा गुड्स एक जगह से, तो यहां से क्या होता है, गुड्स सप्लाई किए जाते हैं, यहां से गुड्स की सप्लाई होती है और यहां से गुड्स की डिमांड होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक कंडीशन ये है कि जो ये हमारी डिमांड और सप्लाई है ना, वो इक्वल होनी चाहिए। जो सप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं सोर्सेस, और जहां पर सप्लाई की जाती है उन्हें बोला जाता है डेस्टिनेशंस। तो सप्लाई ऑफ सोर्सेज एंड डिमांड ऑफ डेस्टिनेशन शुड बी इक्वल। इक्वल नहीं है तो क्या करें, बनाना पड़ेगा, हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो डमी हमें डिमांड या सप्लाई क्रिएट करनी पड़ेगी, डमी नहीं इक्वल है। अभी बात जानना बस इतना सा जरूरी है कि जहां से सप्लाई की जाती है उन्हें सोर्सेज बोला जाता है, जहां पर डिमांड की जाती है उन्हें डेस्टिनेशन बोला जाता है। सोर्सेज की सप्लाई एंड डेस्टिनेशन की डिमांड्स इक्वल होनी चाहिए फॉर सॉल्विंग एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो लिख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रॉम वेयर द गुड्स आर सप्लाइड आर नोन एज सोर्सेस एंड फ्रॉम वेयर गुड्स आर डिमांडेड, जहां से गुड्स की डिमांड की जाती है आर नोन एज डेस्टिनेशंस। तो सोर्सेस सप्लाई द गुड्स डेस्टिनेशंस डिमांड्स देखो, ये एमसीक्यू में पूछा गया बेटा, ध्यान रखें। जहां पर गुड्स भेजे जाते हैं वो डेस्टिनेशन है, जो डिमांड करते हैं वो डेस्टिनेशन है, और जो सप्लाई करते हैं उन्हें सोर्सेज बोला जाता है। फॉर सॉल्विंग एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई लिखिए, डिमांड एंड सप्लाई शुड बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं हो तो हमको बनाना पड़ता है, हम देखेंगे कैसे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को बेटा सॉल्व करने की टोटल तीन टेक्निक है, तीन मेथड है, तीन रूल्स है जिनको हम जानने वाले। मेथड्स या फिर टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो तीन टेक्निक्स या तीन मेथड, देर आर थ्री मेथड्स जो कि हमारे सिलेबस में कवर किए गए हैं फॉर सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।
फर्स्ट है बेटा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नेक्स्ट है लीस्ट कॉस्ट मेथड, एंड थर्ड है वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये टोटल थ्री मेथड्स है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखे जाते हैं। एग्जाम के अंदर बताए बेटा तो ज्यादातर ट्रेंड अभी ये दो तीन बार रिसेंटली आया है कुछ एग्जाम्स में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल आया है जो कि सबसे आसान है, लीस्ट कॉस्ट भी सबसे आसान है, वोगल थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वोगल दो पार्ट में सॉल्व होता है, तो एग्जाम में आया एक बार, ये एक पार्ट ही आया उसका, फर्स्ट पार्ट ही आया, सेकंड नहीं आया, सेकंड भी आ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा वोगल आना ज्यादातर फाइनल में आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसकी लेंथ बड़ी होती है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं होती, दो तीन टेबल बनती है बस और कुछ। तो ये बेटा हमारे सामने मेथड्स है, आओ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन मेथड्स और इन चीजों के बारे में। अब क्या होता है बेटा, मैं आपको एक सैंपल दिखाने वाला हूं ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन का, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस वगैरह पर चलें। सैंपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आखिर दिखता कैसा है इसका क्वेश्चन वो भी तो पता लगे। देखिए बेटा इसमें कुछ ऐसी टेबल बनती है, जैसे मान लीजिए यहां से तो हमारे गुड्स सप्लाई हो रहे हैं फ्रॉम और टू इधर जा रहे हैं, यहां पर हमने हमारे सप्लाई करने वाले जो सोर्सेज है उनको नाम दे दिया S1, S2, S3, जहां पहुंचाए जा रहे हैं उनका नाम है D1, D2, D3, D4। यहां टेबल में क्या होती है, पर यूनिट की कॉस्ट दी जाती है हमको, या प्रॉफिट भी दिया जा सकता है, उसकी बात बाद में करें। ये देखो एक ऐसा आपको ये टेबल दिख रही है, मतलब ये टेबल क्या डिनोट कर रही है, क्या शो कर रही है वो जानते हैं, ये बता रही है टेबल कि अगर हम S1 से कोई भी गुड्स D1 पर भेजेंगे तो 20 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, S1 से D2 पर कोई भी गुड्स भेजेंगे तो 25 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, पर यूनिट कॉस्ट बताता है, S1 से D3 पर भेजेंगे तो 18, S1 से D4 पर भेजेंगे तो 22 रुपीज, इसी तरीके से S2 से D1 की, D2 की, D3, D4, S3 से भी है। अब इधर क्या होता है बेटा, ये जो सोर्सेज लिखे जाते हैं इन्हीं के सामने इधर की साइड बताई जाती है सप्लाई, टेबल में तो हमको थियोरेटिकली भी लिख कर दी जा सकती है लेकिन इधर की साथ सप्लाई इनकी, जैसे S1 की टोटल जितनी भी सप्लाई हो, लेट से कि इसकी 100 है, इसकी 200 यूनिट्स है और इसकी 400 यूनिट्स की सप्लाई, इधर लिखी जाती है डिमांड, इधर की साइड लिखी जाती है बेटा डिमांड, जैसे D1 की डिमांड कितनी है वो हमको यहां पर पता चल जाएगी, लेट से 150 इसकी है, 250 इसकी है, 200 इसकी और 100 इसकी, और फिर हम डिमांड सप्लाई का एक बार टोटल करके देखो, दोनों इक्वल होने चाहिए जैसा कि हमने देखा था, पढ़ा भी था, जाना भी था, तो ये देखो 4+2 600 और 700, इधर देखोगे तो 4, 6,
और 700, दोनों तरफ का इक्वल है डिमांड सप्लाई। अगर इक्वल ना हो तो क्या करना है उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर डिमांड सप्लाई इक्वल ना हो तो फिर हमें डमी रो या डमी कॉलम बनाना पड़ेगा उस गैप के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये डिमांड जो इसकी 50 होती, 50 की डिमांड होती D4 की, तो हमारी डिमांड में 50 से कमी आ रही होती, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक डमी कॉलम बनाना पड़ता जिसकी कॉस्ट की वैल्यू तो 0 0 0 ही होती है और उसके सामने जो डिमांड लिखी जाती है वो 50 होती। और ऐसे ही अगर सप्लाई में कमी होती, मान लो ये 100 की जगह 50 होता, तो फिर हमें एक डमी रो बनानी थी नीचे जाकर जिसकी सारी वैल्यू तो 0 होती लेकिन उसके सामने जो गैप बना वो लिखा जाता। जैसे अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू, चलो अपने अभी एक एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें ऐसा ही है कुछ, तो वहां से भी आपको पता चल ही जाए, एग्जाम्पल के थ्रू भी पता ही चल जाए। यहां पर लिख लीजिए बेटा साथ में डिमांड एंड सप्लाई शुड बी इक्वल इफ इट इज नॉट इक्वल, देन वी हैव टू मेक इट इक्वल बाय इंट्रोड्यूसिंग डमी रो और कॉलम विथ शॉर्टफॉल क्वांटिटी। जितना कम पड़ रहा है, सप्लाई कम पड़ रही है तो उसके लिए, डिमांड कम पड़ रही है तो उसके लिए। अब होता क्या है, इफ सप्लाई इज लेस, सप्लाई कम पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, डमी रो बनानी पड़ेगी। सप्लाई क्योंकि इसी साइड आती है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 0, लेकिन सामने क्या आ जाएगा, जितनी सप्लाई कम पड़ रही है वो आ जाएगा। इफ सप्लाई इज लेस देन वी विल मेक डमी रो। इसका लॉजिक भी आपको आगे जाके बेटा पता चलेगा कि इसका लॉजिक क्या है सर, ये बराबरी क्यों होनी चाहिए, कम ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, सारे रीजन भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। शॉर्ट सप्लाई, इफ डिमांड इज लेस, अब डिमांड कम हो देन वी विल मेक अगर डिमांड कम होगी तो डिमांड तो इधर ही आएगी, तो डमी कॉलम बनाना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट तो 0 0 आएगी और यहां उसके सामने लिख दिया जाएगा जितना डिफरेंस कम पड़ रहा है, डमी कॉलम विथ शॉर्ट डिमांड। चलिए बेटा तो ये बेसिक बात हमारी हो गई। अब अपन ये मेथड्स जो तीनों दे रखे हैं, ये टेक्निक से इनका यूज करना सीखना है। अब हमको एक एक मेथड को सीखना है कि आखिर कैसे हम निकालते हैं कि कहाँ से कितनी क्वांटिटी जानी चाहिए, और फिर हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी कॉस्ट आ रही है। तो इन तीनों मेथड को सीखने के लिए, इन तीनों के इंपॉर्टेंस जानने के लिए अपन एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मेथड कैसा कैसा रिजल्ट देता है और क्या होता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने ही, तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन लेंगे ताकि हम बेटरली समझ पाए। अच्छा जब आप मॉड्यूल में जाओगे ना बेटा
तो मॉड्यूल में क्या है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और लीस्ट कॉस्ट मेथड के कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। तो इसको अपन को करना है मेथड को। कई लोग क्या, कई बच्चे छोड़ जाते थे, बोलते थे ये तो है ही नहीं क्वेश्चन ही, और जबकि आ जाता था उसका, क्योंकि थ्योरेटिकली दे रखा है, क्वेश्चन नहीं दे रखे। देखो बेटा है क्या क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। एक कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी है रिक्वायर फॉर द नेक्स्ट मंथ, मतलब कोई कंपनी जिसको अगले महीने के लिए कुछ चाहिए, चाहिए मतलब डिमांड है उसकी, 300, 260, 180 टन्स ऑफ स्टोन चिप्स, वो छोटे वाले पत्थर आते हैं वो चाहिए इनको, स्टोन चिप्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इनका 3 जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, C1, C2 एंड C3 साइट्स के ऊपर। स्टोन चिप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी एट 3 मिनरल फील्ड्स टेकन ऑन शॉर्ट लीज बाय द। स्टोन चिप्स ये इनका कोई माइंस वगैरह है, वहां से निकालते हैं, वहां बनाते हैं। ऑल द अवेलेबल बोल्डर्स मस्ट बी क्रश्ड इनटू चिप्स। ये क्या करते हैं, वहां पर माइनिंग करते हैं, बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, उनको छोटा कर देते हैं, तोड़ के चिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टोन चिप्स छोटे छोटे। और एक्सेस अगर कुछ बच गया तो वो एक्स फील्ड मतलब बाहर के मार्केट में सेल कर देंगे। फील्ड क्या है, जहां पर इनकी माइनिंग होती है, उनको M1, M2, M3 नाम दे दिया, तो ये सप्लाई करेंगे, ऑब्वियस बात है, तो ये रही हमारी सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम मिनरल फील्ड टू कंस्ट्रक्शन साइट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस विच आर गिवन बिलो। ये देखो M1 से C1, C2, C3 की कॉस्ट दे रखी 876549, M2 से आएगी 755, इससे आएगी, कॉस्ट भी हमको दे रखी है बेटा। अब हम तो तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, इसने जो भी पूछा वो अलग बात। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप देखो डिमांड और सप्लाई का टोटल करो पहले, तो ये देखो डिमांड और सप्लाई तो कम नहीं, टोटल डिमांड देखो, आंसर तो पहले तो एक बात कॉमन है हर एक के लिए, वो है टोटल डिमांड सप्लाई, फिर एक एक मेथड पर अप्लाई करें। देखो क्या कम है, डिमांड कम है, सप्लाई कम है, या दोनों बराबर है? टोटल डिमांड 300, 260 और 180 की है, और देखो ये टोटल सप्लाई जो मिनरल्स फील्ड से हो रही है वो कितनी हो रही है, सप्लाई कितनी है 250, 320, 280, टोटल करो बेटा दोनों का, बताओ कितना आ रहा है, डिमांड टोटल कितनी है और सप्लाई इन टोटल कितनी है। डिमांड का 740 आ रहा है, ओके ये 850 आ रहा होगा आई थिंक, देख लो फिर भी 880 आ रहा है, 50 नहीं आ रहा, तो शॉर्टफॉल कितना है, क्या कम है, डिमांड कम है, शॉर्ट डिमांड 850 आ रहा ना ये, तभी बोलू क्योंकि मेरे को जनरली आंसर याद होते हैं क्वेश्चन के, 110 की कम आनी चाहिए, इसलिए शॉर्ट डिमांड, शॉर्ट डिमांड कितनी है 110, 110 से डिमांड शॉर्ट है। अच्छा डिमांड शॉर्ट है तो अब इक्वल बनाना पड़ेगा, वरना तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तो डिमांड को इक्वल बनाना है तो बताओ डमी रो बनाना पड़ेगा या कॉलम बनाना पड़ेगा, बताओ डमी रो बनाना पड़ेगा या कॉलम बनाना पड़ेगा, बताओ। तब तक हम टेबल बनाते हैं। डमी कॉलम बनेगा, यस बेटा। ये देखो C1, C2, C3 है, इसके पास में ये क्या बन जाएगा, डमी बन जाएगा C4, C1, C2, C3 तो है ही, ये C4 हमको बनाना पड़ा क्योंकि डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं है, इक्वल करना। तो ये तो है फ्रॉम जहां से जाएगा 2, और ये कितने हैं, 3 है, M1, M2 और M3, M2 और M3, 2C1, C2, C3 और C4 को हम क्या नाम देंगे, डमी,
मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं है। डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं है तो हम इक्वल कर देंगे, इधर हमारी सप्लाई आती है, इधर हमारी डिमांड आती है। सप्लाई देखो बेटा कितनी है, फर्स्ट वाले की 250, सेकंड वाले की 320, थर्ड वाले की 280। डिमांड कितनी है, 300, 260, 180। दोनों को कंपेयर करा तो डिमांड कम पड़ रही थी, इसीलिए हमको डमी बनानी पड़ी। कितने से बन जाएगी वो डमी, 110 से। अब आप दोनों साइड का टोटल कर लो, क्या आ रहा है, 850 आ रहा है। अब हम कॉस्ट लिख लेते हैं, 857। कॉस्ट ध्यान रखना ऐसे कॉर्नर में ही लिखना, आदत डाल लेना जैसे मैं कॉर्नर में लिख रहा हूं। 857, 745, 695। और डमी की वैल्यू जैसा मैंने बताया था 0-0 होगी, डमी है ये, एक्चुअल में थोड़ी ना है, हमारा एक्चुअल में C4 है ही नहीं, भेजेंगे कहाँ, लेकिन डिमांड सप्लाई इक्वल करने के लिए बनाया, वरना अपना काम ही नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा आगे आप सीख जाओगे कि सर आखिर प्रॉब्लम क्या आएगी अगर इनको इक्वल नहीं करते। तो बेटा दिस इज द थिंग कि डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी चाहिए, और उन्हें इक्वल कैसे बनाते हैं वो हमने सीख लिया। बताइए बेटा ये सभी को क्लियर है कि नहीं, यस और नो, यहां तक की बात, क्या आपको यहां तक की बात क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, अब हमारा टारगेट क्या होगा, अब हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो आगे मेथड्स वगैरह अपन पढ़ेंगे, ये मेथड्स वगैरह पढ़ के हमको निकालना क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब M1 से C1, C2, C3 पर कितनी यूनिट्स भेजनी चाहिए, M2 से कहां पर कितनी यूनिट्स भेजनी चाहिए, M3 से कहां पर कितनी यूनिट्स भेजनी चाहिए, ये निकालना हमारा टारगेट होगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहां पर ऑक्यूपाई करके, ये कॉलम्स को ऑक्यूपाई करना कहते हैं, ऐसे करके ऐसे करके, यहां पर अभी क्वांटिटी लिखेंगे अपन, अपन मेथड जो सीख रहे हैं उनमें सीखेंगे कि कहां पर कितनी क्वांटिटी भेजनी चाहिए। और जब वो लिख लेंगे क्वांटिटी, लेट से यहां पर 10 आ गई, यहां पर 8 आ गई, यहां पर 5 आ गई, यहां पर 4 आ गई, यहां पर 20 आ गई, जब ये लिख देंगे क्वांटिटी, सीखना है कैसे, तो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, क्वांटिटी इंटू पर यूनिट कॉस्ट हमको दे रखी है। जैसे M1 से C1 पर 20 यूनिट्स जाएगी और 5 रुपए एक यूनिट के लगते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो हमें तो बस अभी ये जानना है कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है ये जानना है। तो हम यूं बोल दें, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर यूनिट। इसी जगह पर कॉस्ट की जगह हमको प्रॉफिट भी निकलवाया जा सकता है, टोटल प्रॉफिट या सेल्स, तो उसमें भी क्या करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्रॉफिट या सेल्स पर यूनिट। ये बेसिक बातें हो गई अपनी सारी। ट्रांसपोर्टेशन क्या काम आता है, तो सर ट्रांसपोर्टेशन काम आता है कि हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कितनी क्वांटिटी भेजे, ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए या प्रॉफिट और सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन काम आता है। दो टाइप की प्रॉब्लम होती है, मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन। जब क्वेश्चन में कॉस्ट की या टाइम की बात की जाएगी तो इसको हम मिनिमाइज करना चाहेंगे, इसलिए प्रॉब्लम का टाइप मिनिमाइजेशन होगा। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट या सेल्स की बात होगी उसे मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, इसीलिए प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होगी। ठीक है, जहां से गुड्स सप्लाई होते हैं उसे हम सोर्स बोलते हैं, जहां पर सप्लाई होते हैं उसे हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। तीन मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसको वैम मेथड भी बोला जाता है, ये वैम भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिए शॉर्ट में।
तो वैम ये स्टैंडर्ड वर्ड है, तो आपको बुक में भी यूज होता हुआ दिख सकता है। इसके बाद में हमने फॉर्मेट देखा कि आखिर क्वेश्चन दिखता कैसे है, दिखने में कैसा होता है। तो फ्रॉम और टू का हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ से तो गुड्स भेजे जाते हैं और यहाँ पर भेजे जाते हैं, लेकिन डिमांड सप्लाई इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करा कि एक क्वेश्चन हम करेंगे और एक ही क्वेश्चन को अपन बेटा तीनों मेथड से करेंगे। तो हमारा ये मॉड्यूल का फर्स्ट ही क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का, वो हमने ले लिया। इसको हम एक ही क्वेश्चन को तीनों से सॉल्व करें। देखो बेटा, सबसे अच्छा जो रिजल्ट देगा वो है तीसरा मेथड, वोगल। उससे कम अच्छा है लीस्ट कॉस्ट और सबसे कम अच्छा है नॉर्थ वेस्ट, ऐसा है। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा उससे कम अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा रिजल्ट होता जाएगा। तो अभी अपने पास में टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास से अपन मेथड नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लेंगे, एक ही क्लास में दोनों हो जाएंगे। फिर वैम थोड़ा बड़ा है, वैम के लिए अपन को 2 से 3 क्लासे तक लगेगी। ठीक है बेटा, चलिए आज करते हैं इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।